नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक नेस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटर ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है गैलोप्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस स्टॉक का प्राइस है 57 रुपीज और ये स्टॉक है रियल स्टेट सेक्टर का। ये कंपनी फाउंडेड हुई 1994 में और हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद में। इसकी यही इन्फॉर्मेशन अभी उपलब्ध है हमारे पास। इसके बाद देख लेते चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न बना था जिसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आई थी, लेकिन वो तेजी आपके किसी काम की नहीं थी क्योंकि उस समय अपर सर्किट का दौर था और आप ना तो खरीद सकते थे ना ही बेच सकते थे स्टॉक को। तो इसलिए जिन लोगों ने लिया था वो जाने और जिन लोगों ने नहीं लिया था वो तो बिल्कुल ना जाने, स्टॉक के बारे में अच्छा रहेगा। तो ये बन गया था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको कभी स्टॉक ने टेस्ट नहीं किया। उसके बाद लंबे समय तक ऊपर जाने के बाद स्टॉक फिर से एक दबाव महसूस किया और नीचे आया, छलांग लगाते हुए नीचे कूद गया था स्टॉक और उसके बाद यहाँ से एक सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर से लगता है ऊपर चलना शुरू हो चुका है ये स्टॉक। तो एक ही टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना था, उसके बाद कुछ भी नहीं है स्टॉक में, अपर सर्किट लगते रहे। इसमें देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पर कोई खरीदने की चांसेस थे ही नहीं स्टॉक में, खरीदने के चांस थे यहाँ पर स्टॉक में 2022 में 9 फरवरी 23 फरवरी के बाद, उसके बाद लगातार अपर सर्किट लगते रहे। फिर अगर खरीदना बेचना चाहते होंगे आप लोग तो फिर 2 मई 2022 को मिला चांस, उसके बाद यहाँ पर 12 मई को मिला और उसके बाद फिर उसके बाद सीधे आपको खरीद बेचने का चांस मिला 1 जून को। तो मतलब ये है कि आप चाह कर भी अपनी पोजीशन को ना तो इनिशिएट कर सकते हैं ना ही स्क्वायर ऑफ कर सकते थे स्टॉक में। अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ऐसा ही होता है, आप लोग बंधे रह जाते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे थे, खड़े देखते रहते हैं प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसी कारण से आप लोगों को ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन आप लोगों को लगता है इस स्टॉक में तो भैया बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा है, हम तो लपालप इसी स्टॉक में कूद जाएंगे। देखिए 450% से ऊपर का रिटर्न आया था जब यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न टूटा था। तो इसी के चलते आप लोगों को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं शेयर, देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ओल्ड टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस होगा, जो कि जब स्टॉक तोड़ेगा तब तोड़ेगा, अभी तो काफी दूर नजर आ रहा है, 5% का अपर सर्किट लगाते भी तोड़ सकता है। तो ये रहा इसके रिस्क, आपको नजर आने चाहिए ऐसे स्टॉक में कि रिस्क भरे ये ट्रेड होती है, ये स्टॉक होते हैं, आप लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आप समझदार ट्रेडर, अगर आप चाहते हैं गैम्बलिंग ना करना और सीधे इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट के लिए भैया अच्छे अच्छे शेयर हैं जो आपको अच्छा अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन आपको तो चाहिए अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो आपको ये नहीं पता रहता कि अनलिमिटेड प्रॉफिट में अनलिमिटेड लॉस भी होता है। तो आप लोगों को अच्छे स्टॉक हमेशा चूज करने चाहिए। हम इस चैनल पे यही बताते हैं आप लोगों को कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप से स्टॉक एनालिसिस करना सीखिए, अपने आप से टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, ताकि आप लोग किसी पे डिपेंड ना रहे और किसी दूसरे की झूठी बातों में ना फंसें। ये उस तरह की बात होगी, अगर आप लिखना पढ़ना जानते होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपसे दूसरा आदमी किस गलत चीज़ पे साइन तो नहीं करा रहा। यही होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आप चार्ट पहचानना जानते हैं, चार्ट देखना जानते हैं, फंडामेंटल पढ़ना जानते हैं, तो आप लोगों को किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंडामेंटल की बात निकली है तो चलिए सीधा फंडामेंटल पहुंचते हैं, स्टॉक के फंडामेंटल देख रहे हैं। इसने मार्च क्वार्टर में 10 लाख कमाए हैं और प्रॉफिट मार्जिन देखिए क्या बखूबी माइनस में है, और फिर भी कंपनी ने किसी तरह से अपने नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड किया है जिसको डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो कुछ खास यहाँ पर ऊपर तौर से दिख नहीं रहा है। पिछली बार क्वार्टर में माइनस में थे, कुछ भी रेवेन्यू नहीं थे और लगातार यहाँ पर कभी कभी कंपनी 10 लाख कमाती है और उसमें से 10 लाख ही कमा लेती है, टैक्स वगैरह पता नहीं कंपनी किस तरह से बचा रही है। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी अर्निंग नज़र नहीं आएगी, 10 लाख रुपये कुछ नहीं होते दोस्तों कंपनियों के लिए, इतने बड़े बड़े रियल स्टेट जैसी कंपनियों में तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। ये कंपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन या फिर जो भी चीज़ें होती है छुपाती हैं ताकि आप लोग या कोई भी समझ ना पाए, या फिर कंपनी इस तरह लॉस में दिखाती है। ये कंपनी की कुछ गड़बड़ घोटाला होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंपनियाँ करती रहती हैं जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। जो छुपी हुई चीज़ है आप लोगों उसको तो देख नहीं सकते, इसमें जो इन्होंने दिया है डिटेल वही डिटेल हमारे सामने है और इसमें डिटेल में हमें कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि प्रमोटर कौन है इस कंपनी में। इस कंपनी में 54% प्रमोटर है जो कंपनी के मालिक होंगे, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और सारा FIDI की पोजीशन देखेंगे क्योंकि कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट इस स्टॉक में अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है, और बाकी बची 46% पब्लिक है
जो कि आप लोगों को पता है कि वो एक साथ ही चलती है। आप लोगों को दिखेगा ऊपर जा रहा तो आप लोग होल्ड करेंगे, जिस दिन आपको नीचे जाता नजर आएगा आप लोग भी बेचने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ही चलता है, पब्लिक होल्डिंग होना किसी शेयर में अच्छी बात नहीं होती है जब तक किसी कंपनी में स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ना हो, स्ट्रॉन्ग FIDI की इसमें पोजीशन ना हो तो वो शेयर अनस्टेबल होता है क्योंकि कोई भी मूव आ सकता है। इसलिए आप लोगों को ऐसे स्टॉक से दूर रहने की बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि दूर रहने की सलाह दी जाती है। बाकी फिर भी आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड देखकर आप लोग स्टॉक में एंट्री वगैरह जो मन करे कर सकते हैं। हमारे तो आप लोगों को समझाने की यहाँ पर फर्ज बनता है, आप लोग फिर अपने आप से कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं आप लोग यहां से टेक्निकल एनालिसिस सीखें। आपके स्क्रीन पर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग जाकर उसे देखें ताकि आप लोग भी एजुकेटेड हो पाएं स्टॉक मार्केट की भाषा वगैरह और सब चीज़ सीखने के लिए। और दूसरा, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके लिए बेसिक और स्टॉक मार्केट सीरीज भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अभी के लिए दोस्तों मैं लेना चाहता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।